हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेलाफिल के 2.5 mg के डोजेस के बारे में। क्या इसे रोज़ ले सकते हैं, कैसे लेना है, कब लेना है। तो अगर आप भी इसके लोअर डोज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि आपकी कौन सी आदत सेक्स टैबलेट को असर करने से रोकती है, किन चीज़ों को लेने से टैबलेट का असर नहीं हो पाता है बॉडी पर, तो अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क ऑफ टेलाफिल, टेलाफिल टैबलेट का क्या काम होता है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, टेलाफिल का काम आपके बॉडी में और लिंग में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होता है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो इस प्रॉब्लम में टेलाफिल टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है जो आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन देने के साथ साथ आपको बेड पर लॉन्ग लास्ट भी रखती है जिससे आप देर तक संबंध बनाने का मजा ले पाते हैं। टेलाफिल का 2.5 mg का डोज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के साथ साथ पुलमरी हाइपरटेंशन एंड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट में भी काम आती है, इसलिए इसके इस डोज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं टेलाफिल के 2.5 mg के डोज को डेली ले सकते हैं या नहीं। टेलाफिल के 2.5 mg के डोज को बिल्कुल डेली लिया जा सकता है। कई डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसके लोअर डोज को ईडी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि टेलाफिल का असर आपकी बॉडी में रहता है और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर होती है। इसके इस डोज को डेली लेना है या नहीं ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। इसको डॉक्टर के बताए गए डोज से बहुत ज़्यादा बार नहीं लेना चाहिए। इसका लोअर डोज लेना एकदम सेफ होता है, इससे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस एकदम लो होते हैं, ना के बराबर। अगर आप इसके 2.5 mg के डोज को एक बार लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आप इसके डोज को लेना तब तक बंद नहीं कर सकते हैं जब तक आपके डॉक्टर इसको बंद ना करे, क्योंकि इस डोज को आपके डॉक्टर एक पर्टिकुलर टाइम या इंटरवल के लिए आपको देते हैं और वो इस डोज को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसके लोअर डोज 2.5 mg को खुद लेते हैं तो आप इसे वीक में एक बार ले सकते हैं या 3 से 4 दिन के गैप में ले सकते हैं या जब आप सेक्स करने जा रहे हैं तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके लोअर डोज को डेली ले रहे हैं तो एकदम उसी टाइम पर लीजिए जिस टाइम पर आप रोज़ ले रहे हो, चाहे आप सेक्स कर रहे हो या ना कर रहे हो। आपको एक टाइम पर इस टैबलेट को डेली लेना होता है। अगर आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए इस टैबलेट को लेना चाहते हैं तो आप इसके लोअर डोज 2.5 mg को ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।